अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोग शेखुपुरा गए हुए थे किसी काम से जी, तो वापस आ रहे थे। सोचा कोई ना कोई जानवर दिखाते हैं, खुद देखते जाते हैं। हमें भी एक कीड़ा है, वक्तन फवक्तन जानवर देखते रहने का। तो मौजूद हैं जी फैसलाबाद यकूब रहमान, यकूब गोड फार्म पे, मलिक इरफान भाई, रहमान भाई, शानी भाई, इन भाइयों ने यहाँ जानवर रखे हुए हैं और क्वालिटी वाले जानवर रखे हैं। बीतल स्ट्रेन में बहुत अच्छी बड़े साइज वाली बकरी है। अब आपको जानवर दिखाते हैं जी, इंशाल्लाह मजा आएगा। दिखाने का मकसद सिर्फ बस अच्छा जानवर देखें, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। सेल सूल वाला चक्कर कोई नहीं है, नंबर में कोई नहीं लगाता वीडियोज में अब, ठीक है? अच्छा जानवर देखें, सॉल्व करें अपना देख के, बाकी वीडियो शुरू करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरफान भाई थोड़ा उसी बोले, दूसरा लोकेशन की है जी अपनी। लोकेशन भाई अपनी है कि फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद नाड़वा रोड फ्री चौक गुलाम अहमदाबाद नाड़वाला चौक फ्री चौक नाड़वा रोड रोड, सॉरी ना, कलीम शीज पार्क के फैसलाबाद जिला फैसलाबाद। सही है। और आपको 2-3 दफा पहले भी भाई लोगों का शौक दिखा चुके हैं। अच्छी क्वालिटी वाली कलेक्शन है इनके पास, अच्छी फीमेल्स हैं, अच्छे मेल्स हैं। जानवर दिखाते हैं अभी। अरफान भाई खुराक ही दे रहे सब, तो पहला दे दसो ना खुराक असीं पिने दे रही जंतर जी। जंतर हुण खत्म हो गया वा ते हुण लूसन शुरू कीता असीं। लूसन पुछो हां जी कि ये सब जी नहीं सब चारा शुरू कीता वा नहीं फिलहाल ते लूसन खुश के जड़ा हो तकरीबन कोई 15 दिन ठहर के शुरू करांगे इंशाल्लाह। सही है ते जी, एनआरटीएम आ दे रही सही है जी, बेहतर है। भाई का भी जरा तारफ कराओ जी, ए समान भाई है बड़े। नाल रल के शौक कर हां रहे जी रल के शौक कर रहे ना दा साडे चाचा जी होणे आ जी जी ठीक मशीन है साडे सही वड्डे है। है। अच्छा टोटल 1, 2, 3 सेक्शन हैं जी। इस एरिया च किदां दी बकरियां, पठा ने गबनाने या बड़ियां बकरियां? इस टाइम बकरियां जड़ियां इस सेक्शन दे विच वो तकरीबन सारी तकरीबन क्रॉस हुई वा दोबारा नवा यानी कि नवे सिरे क्रॉस हुई क्या करके पहले इन्हें ड्रीवर किया हुआ सही है। और ऐसा भी ऐस बकरे ने छोड़या है, एस बकरा छोड़िया वा जरा कि सारी ये क्रॉस करवा रहे हैं इंशाल्लाह। सही है जी। और अपने ऐस जगह पे गबन बकरियां कितनी है भाई? इस टाइम इन्होंने तकरीबन सारिया खाली है एक ही है गबन वो बैठी है बहुत बाहरों बढ़िया, तैयार सही है जी, बनिया सारी बढ़िया सारी है ये, बढ़िया सही है। सारी। सबसे पहले आपको इनका ये ब्रीडर दिखाते हैं जी। इन थोड़ा फैन भी जरा, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इनके जानवर दिखाना है, आपको क्वालिटी एनिमल्स दिखाना है और कुछ नहीं है। माशाल्लाह जी ये नया एडिशन है। और अरफान भाई मुंह कितने हैं? वो छेद है 6 दांत है जी। और हाइट क्या है जी? हाइट अंदाजा 46 47 46 के राउंड अबाउट है जी। और माशाल्लाह इस दफा इससे मेट करवा रहे हैं। अरफान भाई ये की देख के तुसी पिक कीते है जी मेल? जी माशाल्लाह ये पॉइंटा तो भी हर चीज तो सानू अच्छा लगा वा सही, ठीक है असि वो चीजा देख के ते इहदी ब्लड लाइन पिछे देख के असि फिर लिया माँ बाप तो कोई यार हर चीज का पता अलहमदुल्ला मां भी देखी है ना बाप भी देखे इन्हें नाम ही वेखदा ना इन्हें सारा कुछ ही माशाल्लाह सुना सारा कुछ सही है जी, शेर माशाल्लाह। मत फिर वो चीज है असल नागरे आ जी ये पहले बकरे सही इन्हें दे माशाल्लाह। विचो बकरे क्रॉस हो गए पहले फेस वगैरह देख लें, सर वो भी ये पॉइंट्स, सिंह बड़ा खूबसूरती के प्यारा लग पॉइंट्स, जिस्म की चौड़ाई, जिस्म की लेंथ बहुत अच्छी है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उम्मीद है कि मिल्किंग में भी इसकी पट्टें अच्छी निकलेंगी, बशर्ते कि इसका माँ बाप देखा हुआ तो। उसके बाद ये बच्चे देख लें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ। अब हेल्थ बहुत अच्छी है भाई की। और बकरियाँ को दोग ले आओ, बकरा होगा बकरियां के 1-2 ले आओ जरा। अच्छा माशाल्लाह। अपनी परी पट आ गई इधर कर लो, सामने इस साइड पे इधर नु कर लो, इधर नु नहीं नहीं हाँ चलो ठीक है।
परी इसका नाम है जी। सुबह किनवा पे दूसरा डिलीवर किया जी माशाल्लाह। सेकंड टाइम इसने डिलीवर किया जी माशाल्लाह। बीतल में बहुत खूबसूरत चीज़ है, बीतल नस्ल के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पूरे करती है। अब उन पॉइंट्स को ज़्यादा खोलेंगे तो फिर दो सौ बच्चा गया हुआ शाहकोट, शाहकोट गया, शाहकोट गया हुआ चूहे झाड़ पिंड गया हुआ यदा बच्चा गया हुआ। सही। और किस बकरे जो भाई? ये मोटे बकरे दी है। सही है। माँ भी इतनी खड़ी होगी सोना करते हैं माशाल्लाह जी, खूबसूरत जी। अच्छा इरफान भाई यकीन है खूबसूरती के पॉइंट्स बहुत अच्छे ने जी जी। दूध की गल करिए कितने के जी? माशाल्लाह ये 4 to 5 liter की एवरेज है। सूआ दूसरा थोड़े को? दूसरा सूआ वा हूँ भी मौजूदा भी जी है ना तकरीबन 3 to 3.5 liter की एवरेज है। गां तीसरे सूए वास्ते क्रॉस हो गई है। सही क्रॉस हो गई है जी माशाल्लाह। मित्र है जी बहुत खूबसूरत चीज़ है। दूसरी पकड़ो जी, ब्लैक कलर में खूबसूरती, अगर उसको साइड भी कर देते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं जिनमें लेंथ प्लस भाई ने मिल्किंग बताई है। अब ये बकरी देखें ये आए दी माँ जी, ये वो पढ़ दी माँ, ये उस पढ़ दी काली दी माँ। अच्छा माशाल्लाह जी, वो तुम्हारी होम ब्रीड है? हाँ जो होम ब्रीड है वो दी माँ। सही है। और आप सबसे पहले जिसकी हेल्थ देखें, बहुत अच्छी खिदमत की जा रही है जानवरों की। क्रॉस है जी, ये भी क्रॉस है माशाल्लाह जी। और लास्ट टाइम ये आपको जब दिखाई थी प्रेग्नेंट थी, अजान हो जाती है फिर कर दी। ये फीमेल दिखाई है जी आपको माशाल्लाह, बहुत अच्छी हेल्थ में। अच्छा इरफान भाई माशाल्लाह हेल्थ बहुत अच्छी है इस दफ़ा जी जी। खुराक तुम दसी, इस तो इलावा भी कुछ नाल चीज़ा दे रहे? इस तो इलावा नाल असी इस टाइम गंदम नाल चने का छिलका तो चने जड़े ना वो एक्स्ट्रा भी दे सिर्फ नाल असी खल पा के ना डेली की खल। हाँ जी डेली बेस से असी दे तेल वगैरह दे। बढ़िया माशाल्लाह जी, बहुत आला जी। और पिछली दफ़ा ये प्रेग्नेंट थी जब हम लोग आए थे भाई, इनकी दुध की एवरेज जो जेनुइन एसयूवी ने दी थोड़े को? एसयूवी तकरीबन ने एवरेज जी 4 liter दी है। पिछले सूए च माशाल्लाह असं 6.5 किलो तक असं चोया, 6.5 to 7 किलो तक। सही पीक टाइम। लेकिन हाँ जी इस दफा इन्हें 4 किलो प्लस नहीं किया, 4 किलो की। सही है जी, बेहतर है माशाल्लाह जी, बहुत अला। छोड़ो जी खूबसूरत चीज़ है जी, बहुत अच्छी हेल्थ है। और उसके बाद आपको ये सभी बीतल में, बीतल नस्ल में बहुत अच्छे पॉइंट्स रखने वाले जानवर हैं, प्रोडक्शन देने वाले जानवर हैं। सही है, चुकीनी प्लस प्रोडक्शन। तीसरे नंबर पे ये फीमेल है और ये भी मेट हो गई है। अच्छा इनकी हाइट सर क्या है? इनकी हाइट तकरीबन 40 के करीब करीब है। 40 होगी या 41 होगी। सही है जी माशाल्लाह। वेट है भी क्रॉस होगी? क्रॉस होगी। सही है जी माशाल्लाह, बढ़िया। छोड़ो भाई और ले आओगे जमीन। ले आओ ले आओ अभी ले आओ ले आओ, दो ना ले आओ। ऐ नवी ऐड की या पिछले? दोनों ही ऐड की नवी आई। किस कितों लैके आती ने? ये असी साहिवाल से ले आती है। सही है जी। ए भी? हाँ जी ये दोनों साहिवाल से। सही है भाई माशाल्लाह। और ओ जड़ी? ओ जड़ी है वो चाचा जी उन्होंने अपने हाथी लैके दी सी सानू। सही वाले? हाँ जी। सही है जी माशाल्लाह। और तीनों ने ही अभी मेट हो चुकी हैं इस मेल से माशाल्लाह। अच्छा अदनान भाई इस वाड़े दे विच इस जगह दे विच सब तो ज़्यादा दुध खास वाले इरफान भाई केड़ी बकरी सब तो ज़्यादा दुध डिलीवर कर रही है जी? सब तो ज़्यादा तो माशाल्लाह जी जिहड़ा वा साडी परी ने, ये परी की माँ ने, सब तो ज़्यादा डिलीवर उ दो कर दी। सही है। सब तो ज़्यादा जिहड़ा सभी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, बेहतरीन एनिमल्स हैं। किन्ने सूए भाई पाठ? ये पहले ना जी मुंह फ्रेश किए दाने हुई है। सही हुई है ना? हाँ जी सही है माशाल्लाह। सही मेरे ना टोकी। सही है। ओ किधर गई बकरी जी दिखानी थी? इसके बाद आपको ये पाठ दिखाते हैं सभी पीतल में, बहुत अच्छे जानवर हैं जी माशाल्लाह।
ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ, ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹ ਸੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਿੱਜ 6 ਦਾ ਲਵੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਲ? ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਕਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਛੋੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। अब इनकी इन्हीं बकरियों में से जो कुछ बच्चे बड़े हो चुके हैं वो दिखाते हैं आपको जी। माशाल्लाह, इतने पढ़ लेते भाई। ए केड़ी बकरी दी है भाई? इसकी माँ उधर दूसरे पाड़े में, ओ एंड वाले पाड़े में इसकी माँ है जी। और की उम्र होएगी इनकी? इनकी एज है कि 5 महीने। 5-1 महीने इसकी एज है जी। और इनकी कितनी है? इनकी इनकी के 5 तो 5.5 महीने की है। सही है जी, ये रुस्तम बकरी की है। रुस्तम दी थी, ये केड़ी बकरी जो है? ये वो बाहर एड़ी बड़ी बकरी बैठी है। सही है, सही है। ये बकरी जी इसकी माँ हमने आपको काफ़ी टाइम पहले भी दिखाई थी, ये उसमें से रुस्तम की पट है माशाल्लाह। खूबसूरती के पॉइंट सी है, दो सील करती हैं। सही है, ये दो सील करती है, एक अपने को बेहतर माशाल्लाह जी, बहुत आला। अच्छा इरफान, हाँ इन्हें भी थोड़ी डिटेल दे दियो। इसकी माँ बाहर बैठी है, वो आपको बाद में दिखाते हैं, उसकी उधर है। और इसकी एज की होएगी भाई उम्र? एज तकरीबन को 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने इसकी एज है माशाल्लाह जी। ये सारियाँ ताड़ियाँ इतों की जामपल ने? माशाल्लाह जी, सोनी है भाई, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जी माशाल्लाह। टांग शांग बैलेंस स्ट्रक्चर बेहतरीन फ्रेम में है, चीज़ें अच्छी तैयार हो जाएंगी आने वाले टाइम में। छोड़ो भाई, सही है, उधर चलने हैं। अंदर ही है, बाहर काटो, अंदर चले चलने हैं। इनकी अलग मनावा कर लीजिए। इधर बच्चों का सेक्शन है जी, छोटे बच्चे हैं। और ये आ गया जी दूसरा, तीसरा सेक्शन, इसमें बकरियाँ। और बाहर इनको सबज लुस्से प्लस जो वंडा शंडा होता है वो दे रहे हैं जी। इरफान भाई जो सर्दी आएगी वो जानवर भी इधर ले आओगे? नहीं नहीं, हाँ वो उठे रहेंगे। अच्छा, और ना ऊपर अपन छत पा देनी है। सही, वो स्टैंड ये लगवाए हैं ऊपर, एसी लगवाए हुए हैं, छत पा के। सही है, उन्होंने कवर कर देना, साइडों से तरपाल आ जानी है। सही है, सही है, नाल वो परला कमरा जो अटैच हो जाना, अंदर रात को जाके अंदर बैठ जाएंगे जानवर। बेहतर, हाँ जी, तो इधरों आ कमरा जोड़ा वा, दोनों कमरे जो ये अटैच हो जाने। सही है, बेहतर है भाई माशाल्लाह। अच्छा इस पासे खाली गबरी बकरियां ने या इधर गबन? इधर गबन, गबन। सही है जी माशाल्लाह, जानवर दिखाते हैं जिनमें भी हल्के हल्के दिखाई चलिए भाई माशाल्लाह। ये जी जानवर इनके सभी अच्छे हैं जी, अच्छा बॉडी स्कोर है माशाल्लाह। नागरे में खूबसूरत चीज़ और खूबसूरत बॉडी स्कोर में। किस बकरे को मेट है भाई? ये मक्खन बकरा, जो बड़ा बकरा नवे को ले? हाँ जी, सही माशाल्लाह। कितने के टाइम की गबन है? ये तकरीबन हो गई 2.5 से 3 एक माह के राउंड अबाउट है जी माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है जी। और की डिटेल है इनकी, सुबह किनमें है? ये सुबह तीसरा सोना इन्हें हम, और जी थोड़ा पट दिखाई है पहले नंबर से, वो पट इस बकरे की। सही है जी, इस नागरी, इस हाँ जी नागरी, सही सही नंबर इनकी धी है माशाल्लाह, सोनी है जी। छोड़ो जी, हाइट क्या होएगी वैसे इनकी? हाइट है जी तकरीबन 40, 40 के करीब करीब इसकी हाइट है जी। चलें माशाल्लाह, छोड़ें जी, खूबसूरत चीज़ है जी। चीज़ें दिखा रहे इसलिए रहे हैं जी कि आपको कम से कम बीतल का आइडिया होता रहे कि बीतल किस तरह की होती हैं, इस तरह का डिलीवर करती हैं।
ਅੱਛਾ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੋ ਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੰਦਾ ਮੈਂ ਚਨੇ ਬਾਜਰਾ ਨਾਲ ਚੋਕਰ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਬਰਸੇਮ ਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਬਣ 4 ਮਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 4 ਮਾਹ ਕੀ ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਲੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਭੋਲੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁਣਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੱਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੁੱਧ ਦਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਵਾਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਵੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀ ਦੁੱਧ ਵੱਡਾ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਫਾਨ ਬਾਈ, ਛੋੜੋ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਭੀ, ਯਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸੇ 40 ਇੰਚ ਇਸ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਭੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਲੈਂਥ ਮੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹਾਈਟ ਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੀ ਤੋ ਡਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਬਾਈ? ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ? ਇਹ ਉਸੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ 3.5 ਮਾਹ ਦੀ, 3.5 ਮਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ 2 ਮਾਹ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਹਮ ਜੋਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਹਲੋ, ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 6-6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ? ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਮ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਵੱਧਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਨਸੀਬ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਜੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਦੋਨੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਪੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਮੇਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ? ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭੋਲਾ, ਭੋਲਾ, ਅੱਠ ਦਾਂਤ, ਇਹ
8 ਦੀ ਕੰਨੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਪਈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਤੋਂ 48 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪ ਨਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸ਼ੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜੀ ਮੋਟਾ ਸਹੀ ਹੈ और उनकी की हाइट होएगी वैसे उनकी हाइट तकरीबन हैगी 48-45 सही है इनकी इसकी ज्यादा है जी माशाल्लाह सही है ठीक है माशाल्लाह चलो पहला सुनी है सुई हुई नहीं पहला सुया है ना मतलब सुई हुई पहली हूँ कब्बन है भी हूँ दोबारा फिर कब्बन ढाई माह दी वो बड़े बकरे को मक्खन को नहीं सही है माशाल्लाह जी दंदो अट चढ़ गई नहीं नहीं दंदो फिर फ्रेश छे दंद हो रही है छे दंद सही है छे जी माशाल्लाह सही है भी यानी तकरीबन तिना महीनों के कोल कोल ज्यादा बकरी 3 महीने के लागे अच्छा गया सही है हां और डिलीवर करने गया तकरीबन दिसंबर तक 3 से 4 बकरियां जो तकरीबन दिसंबर च करनी है सही बकाया बकरियां जो वो तीसरे महीने करनी इंशाल्लाह सही है बेहतर चलें अल्लाह खैर करें छोड़ें जी तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।